नमस्कार, मेरा नाम निकिता कुमारी है और मैं आज इंडियन वॉइस लवर्स सेल्फ रिटन स्टोरी कंपटीशन के लिए अपनी स्टोरी रिकॉर्ड कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है मेरा गांव मेरा धरोहर। आज हम जिस भी क्षेत्र में हैं, संभव है कि हम किसी ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में रहते या कार्य करते हैं, पर क्या आप जानते हैं ग्रामीण अर्थात गांवों का महत्व? क्या आप जानते हैं कि आजकल गांवों में शहरीकरण कितना बढ़ता जा रहा है? आइए इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। क्या आपको जो खूबसूरती गांवों की प्रकृति में दिखाई देती है, क्या आपने कभी इसे शहरों में महसूस किया है? अगर हाँ, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं तो आप बिल्कुल मित्र हैं। पहले मैं ये सोचती थी कि ये गांवों में क्या रखा है, हम तो शहरों में रहते हैं, शहर में ही हमारी जिंदगी है। पर पूछो अपने पुरखों से कि ये गांव, ये ग्रामीण जिंदगी क्या होती है। मैं आज से लगभग 5 साल पहली बार अपने माता पिता के साथ अपने गांव जा रही थी। उस वक्त तक मैंने गांवों के बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा था, सिर्फ महसूस किया था, पर आज अपनी खुली आंखों से इस सुलभ सी ग्रामीण जिंदगी को देख रही थी। मेरा मन हुआ कि सारी जिंदगी वहीं रुक जाऊं, इस सुंदरता भरी प्रकृति के साथ, चारों तरफ लहलहाते पेड़, फसलों एवं अनाजों से लदे खेत, कल कल सी आवाज करती वो छोटी सी नदी, सुबह सुबह वो चिड़ियों की मीठी सी गानों की तरह सुरीली, वो मोहित कर देने वाली आवाज, और ना जाने कितना कुछ जो मुझे गांव की ओर आकर्षित करता था। पर मैं क्या करूं, परिवार के दबाव पर मजबूर थी। मेरे लिए तो माता पिता के फैसले सर्वश्रेष्ठ होते थे। आखिर कुछ दिनों की छुट्टी के बाद वापस शहर तो लौटना ही था। आज भी मुझे याद है कि लोग यहाँ से वहाँ और सामानों का आयात निर्यात बैलों की सहायता से करते थे। मुझे याद है कि बैलों के गले में घंटी बंधी होती थी, जो बहुत ही कर्णप्रिय होती थी। इसका इस्तेमाल आज भी कई गांवों में किया जाता है, पर आज ये विलुप्त होने के कगार पर है और इनका स्थान अब मोटर गाड़ियों ने ले लिया है। सच में गांवों की जिंदगी बहुत खुशहाल होती है। मेरे गांव में एक छोटा सा मंदिर था, जहां गांव के लोग हर सुबह पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करने के लिए आते थे। एक दिन मैंने अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी, गांव के लोग कैसे शहरों के लोगों से भिन्न हैं, और आजकल गांव भी शहरों की तरह परिवर्तित कैसे हो रही है? उस वक्त मैं मेरी उम्र लगभग 10 वर्ष की थी। मैं तो उस वक्त बच्ची थी, मेरा जन्म भी शहर में हुआ था, पर मुझे ये सब जानने की काफी उत्सुकता थी। तब मेरे दादाजी ने मुझे पूरी कहानी विस्तार से बताया। क्या तुम जानती हो कि भारत देश को गांवों का देश कहा जाता है? प्राचीन काल से गांवों के लोग मिलजुल कर रहते आ रहे हैं, पर आज
परिस्थिति काफी बदल चुकी है। गांवों के लोग खेती, मत्स्य पालन, पशु पालन करते थे और अभी भी करते आ रहे हैं, पर आजकल गांवों में शहरीकरण बढ़ता चल रहा है। गांवों के लोग अब शहरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं व्यापार करने के लिए। पहले गांवों में बिजली नहीं होती थी, पहले शिक्षा भी लोगों के लिए प्राप्त करना बहुत मुश्किल था, पर आजकल गांवों के लोग भी शिक्षित हो रहे हैं और देश की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ये सब कुछ सुनने के बाद मुझे गांवों और शहरों के बीच अंतर समझ आया कि वे किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न हैं, और मुझे ये भी समझ आया कि गांव अर्थात हमारी ग्रामीण जिंदगी हमारे देश की धरोहर है, जिसे हमें संभाल कर रखना चाहिए। उस वर्ष की छुट्टी मेरी काफी अच्छी बीती। मुझे उस वर्ष अपने गांव, अपने धरोहर एवं संस्कृति के बारे में जानने को मिला। थैंक यू।